मोर के सुंदर पंखों से नौ ग्रहों की शांति भी होती है। आइए जानें हर ग्रह के अचूक टोटके। शनि के लिए शनिवार को तीन मोर पंख लेकर आए। पंखों के नीचे काले रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ तीन सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम शनिश्वराय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। फिर तीन मिट्टी के दीपक तेल सहित शनि देवता को अर्पित करें। गुलाब जामुन या प्रसाद बनाकर चढ़ाएं, इससे शनि संबंधी दोष दूर होता है। चंद्र के लिए सोमवार को आठ मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे सफेद रंग का धागा बांध ले। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ आठ सुपारियां भी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम सोमाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। पान के पांच पत्ते चंद्रमा को अर्पित करें। बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। मंगल के लिए मंगलवार को सात मोर पंख लेकर आए। पंखों के नीचे लाल रंग का धागा बांध लें। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ सात सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम भूपुत्राय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। पीपल के दो पत्तों पर चावल रखकर मंगल ग्रह को अर्पित करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बुध के लिए बुधवार को छह मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे हरे रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ छह सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम बुधाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। जामुन बुध को अर्पित करें। केले के पत्ते पर रखकर मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाएं। गुरु के लिए गुरुवार को पांच मोर पंख लेकर आए। पंखों के नीचे पीले रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ पांच सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम बृहस्पतये नमः जागरय स्थापय स्वाहा। फिर 11 केले बृहस्पति देवता को अर्पित करें। बेसन का प्रसाद बनाकर गुरु ग्रह को चढ़ाएं। शुक्र के लिए शुक्रवार को चार मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ चार सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम शुक्राय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। तीन मीठे पान शुक्र देवता को अर्पित करें और फिर गुड़ चने का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। सूर्य के लिए रविवार के दिन नौ मोर पंख लेकर आए और पंख के नीचे मैरून रंग का धागा बांध लें। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ नौ सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। इसके बाद दो नारियल सूर्य भगवान को अर्पित करें। राहु के लिए शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व दो मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे भूरे रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ दो सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम राहवे नमः जागरय स्थापय स्वाहा। फिर चौमुखा दीप जलाकर राहु को अर्पित करें। कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। केतु के लिए भी शनिवार के ही दिन सूर्य अस्त होने के बाद एक मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे स्लेटी रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंख के साथ एक सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें, ओम केतवे नमः जागरय स्थापय स्वाहा। पानी के दो कलश भरकर फिर केतु को अर्पित करें और फलों का प्रसाद चढ़ाएं।